उत्तर प्रदेश में रायबरेली में राहुल गांधी की आभार सभा हुई। भोएमऊ में अमेठी और रायबरेली के लिए हुई कांग्रेस की आभार सभा में साफ हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहेंगे। दरअसल उन्होंने अपने संबोधन के दौरान खुद को रायबरेली का सांसद कहकर संबोधित किया। उनके इसी संबोधन को साफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेठी और रायबरेली की आभार सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अमेठी की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि मैं रायबरेली का सांसद हूँ, मगर मैंने जो आपसे कहा था कि जो रायबरेली में होगा वही अमेठी में भी होगा। सभा में राहुल गांधी के इस हिस्से को राजनीतिक जानकार स्पष्ट संदेश मान रहे हैं और राहुल गांधी रायबरेली की ही सीट बरकरार रखेंगे। वे वायनाड सीट से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें कि सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें उसे 6 सीटों पर सफलता मिली थी। राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ ही रायबरेली से चुनाव लड़े हैं और जीते हैं। 4 जून को परिणाम आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह सवाल घूम रहा था कि राहुल दोनों में से कौन सी सीट अपने पास रखेंगे और किस सीट से इस्तीफा दे देंगे। मंगलवार को जब रायबरेली के भोएमऊ से कांग्रेस की आभार सभा हुई तो राहुल गांधी और केएल शर्मा के साथ शुरू हुई। तभी से ये कयास लगाए जाने लगे कि इस सवाल का जवाब मिल सकता है। ऐसे में राहुल ने जब यह बात कही कि मैं रायबरेली का सांसद हूं, तो उससे एक बार फिर से कयासों को बल मिला। अब भले ही स्पष्ट घोषणा बाकी है, लेकिन राहुल रायबरेली से ही सांसद रहेंगे। बीते लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे, तब वह अमेठी पहुंचे थे और उन्होंने अमेठी के लोगों से कहा था कि अब मैं वायनाड का सांसद हूं, लेकिन आप लोगों से रिश्ता बना रहेगा। राहुल गांधी ने यूपी से आए राजनीतिक परिणाम की तारीफ भी की और आगे की भूमिका के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि यूपी ने देश की राजनीति को स्पष्ट संदेश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को पसंद नहीं करते हैं। देश की बदलती राजनीति का संदेश यूपी से ही जाएगा। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, देश की राजनीति को नया विजन देना है तो वह यूपी से ही हो सकता है। ऐसे में साफ है कि राहुल ने बता दिया कि यूपी आगे की राजनीति के लिए काफी अहम है। ऐसे में यूपी से बड़ा संदेश जाने की उम्मीद करने वाले राहुल गांधी रायबरेली से अपनी सांसदी बरकरार रखकर यहां की राजनीति में कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में राहुल गांधी के रायबरेली से ही सांसद रहने का प्रस्ताव पास किया गया था। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने यह माना था कि यूपी में अपनी कोई राजनीति जमीन तलाश रही है। कांग्रेस के लिए यह बेहद जरूरी है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद बने रहें। उनके यहाँ से सांसद रहने से प्रदेश की राजनीति को ताकत मिलेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया और यूपी की तमाम खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।